हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेक्शन। लास्ट क्लास में हमने जो तीन चैप्टर्स किए थे, मैटर, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड प्योर सब्सटेंसेस, उनसे रिलेटेड 10 to 12 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज की क्लास में भी हम उन्हीं तीनों चैप्टर्स से रिलेटेड 10 to 12 जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन फिलामेंट ऑफ बल्ब कॉइल इज वेरी फाइन एंड थिन, दिस शोज। ठीक है, जो बल्ब का फिलामेंट होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, वो बहुत ही फाइन एंड बहुत ही थिन होता है। तो फिलामेंट ऑफ बल्ब हमने पढ़ा था किस मेटल से बना होता है, टंगस्टन। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि टंगस्टन मेटल कैसा है। ये चार प्रॉपर्टीज गिवन है, इसमें हमें पता करना है कि जो टंगस्टन है उसकी क्या प्रॉपर्टीज में शो कर रहे हैं, कि वो सनोरस है, लस्ट्रस है, हाईली डक्टाइल या इट्स हाईली मेलेबल। द आंसर इज इट इज हाईली डक्टाइल। ठीक है, अब हम इन चारों प्रॉपर्टीज को एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सनोरस क्या था कि अगर उसको हिट किया जाए तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब फिलामेंट ऑफ बल्ब में हमें साउंड का तो कोई यूज नहीं है, ठीक है, तो वो ये प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। मेटल इज लस्टर, हम अब जो फिलामेंट है हमें उसका कोई मेटल से रिलेटेड नहीं है, वो तो हमें जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है वो अलग चीज है। ठीक है, तो उससे लस्टर का भी कोई काम नहीं है। ठीक है, इट्स हाईली मेलेबल, मेलेबल यानी कि शीट्स की फॉर्म में। अब बल्ब में जो शीट्स का कोई काम नहीं है, ठीक है, तो हाईली डक्टाइल, डक्टाइल मतलब कि जो बेसिकली जो कॉइल होता है कि वो इस शेप में होता है, यानी कि वायर को इस शेप में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि वायर को इजिली, बहुत इजिली फोल्ड किया जा रहा है। तो वायर की क्या प्रॉपर्टी है कि इट्स हाईली डक्टाइल, यानी कि मेटल को इजिली जो है वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि जो टंगस्टन मेटल है दैट इज हाईली डक्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोडियम इज केप्ट अंडर केरोसिन बिकॉज सोडियम इज, सोडियम को केरोसिन के अंडर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम जो है बहुत ही कम रिएक्ट करता है, बहुत ही ज्यादा रिएक्ट करता है। ठीक है, या इट कैन नॉट बी स्टोर अलोन एज इट सब्लाइम्स, यानी कि अगर उसको बाहर रखेंगे तो वो सब्लाइम कर जाएगा, यानी कि वो सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैशियस स्टेट में चेंज कर जाएगा, या नन ऑफ द अबव, यानी कि इन तीनों में से कोई भी वो ऑप्शन नहीं है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि जो सोडियम है उसको केरोसिन में रखा जाता है बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव। जैसे ही वो उसको एयर में आएगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बहुत ही वायलेंटली रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसलिए जो सोडियम है उसको केरोसिन के अंडर स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्टली फाउंड इन प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म या नेटिव स्टेट। ठीक है, यानी कि जैसे ही उसको निकाला जाता है उसको बस थोड़ा सा उसमें से इम्प्योरिटीज रिमूव करके उसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा मेटल है, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या गोल्ड। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वो कौन सा मेटल है, इट्स गोल्ड। कि ठीक है कि गोल्ड जो है वो प्योर फॉर्म यानी कि नेटिव फॉर्म में ही मिलता है। ठीक है, आयरन बेसिकली इसका ओर है, आयरन ओर, यानी कि आयरन ओर में से आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मैग्नीशियम का ओर इज मैग्नीसाइट, एंड एल्यूमिनियम जो है इसका ओर का नाम है बॉक्साइट, यानी कि इसको बॉक्साइट ओर में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो गोल्ड ही इनमें से जो मेटल है वो जो है प्योर फॉर्म में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान देने है कि इसमें क्या है, कंबाइंड केमिकल, यानी कि केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू उनको कंबाइन करना चाहिए। तो उनको क्या बोलते हैं, मिक्सचर, एलिमेंट्स, एटम्स या कंपाउंड्स। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, कंपाउंड्स, यानी कि जो केमिकली कंबाइंड एटम्स या एलिमेंट्स होते हैं उनको कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, और जिसमें कोई भी केमिकल प्रोसेस नहीं यूज होता है, यानी कि फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू जो कंबाइन होता है दैट इज नोन एज मिक्सचर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा प्योर सब्सटेंस है जो सिर्फ एक ही काइंड ऑफ एटम से बना होता है। ठीक है, इट इज मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड या डी एटम। इट इज बी, एलिमेंट। ठीक है, अ मिक्सचर जो होता है वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को मिला के मिक्सचर बनता है। ठीक है, तो एलिमेंट इज द प्योर सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही काइंड ऑफ एटम, एटम पढ़ा था कि जितने भी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मैटर का जिससे सारी चीजें बनी होती हैं दैट इज एटम। तो एलिमेंट में बेसिकली एक ही टाइप ऑफ एटम होता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया,
ठीक है, उसमें सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स ही अवेलेबल होते हैं। ठीक है, कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं जिनको केमिकली कंबाइन किया जाता है, और एटम तो बेसिकली वही इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। ठीक है, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज और एन एसिड ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड्स, न्यूट्रल ऑक्साइड, इट्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आंसर दिस क्वेश्चन इज, इट इज डी, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बेसिकली क्या होता है, वो ऑक्साइड जो एसिड ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज भी शो करता है और बेसिक ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टी भी शो करता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी कि एसिड ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टी भी शो करता है एंड बेसिक ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टी भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी वॉज लेफ्ट एक्सपोज टू एटमोसफेयर फॉर सम टाइम, इट बिकम्स कोटेड विद ग्रीन कार्बोनेट, द ज्वेलरी इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी एक आर्टिकल को कुछ टाइम के लिए एटमोसफेयर में एक्सपोज कर दिया गया और उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, तो ये जो ज्वेलरी है ये किससे बनी हुई है, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड या जिंक? इट इज मेड अप ऑफ बी, कॉपर। ठीक है, कि जो कॉपर है अगर उसको एक्सपोजर में एयर और मॉइस्चर के एक्सपोजर में उसे छोड़ा जाए तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, अगर सिल्वर को ऐसे एक्सपोज किया जाए तो उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है। गोल्ड जो है ये बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं, यानी कि बहुत ही रेयर रिएक्ट करता है एयर के साथ या करता ही नहीं है। ठीक है, रेयर रिएक्ट करता है एटमोसफेयर के साथ। ठीक है, और जिंक, अगर जिंक को ऐसे एक्सपोज किया जाए तो इसके ऊपर ग्रे कलर की कोटिंग बन जाती है, जिसे हम करोजन भी बोलते हैं, कि जो मेटल है वो करोड हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द प्रोसेस यूज टू सेपरेट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ ऑयल, यानी कि किस प्रोसेस के थ्रू हम डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ ऑयल, ऑयल में बहुत सारे अलग अलग कॉम्पोनेंट्स होते हैं, उनको किस किस प्रोसेस के थ्रू सेपरेट किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फिल्टरेशन, क्रोमैटोग्राफी और इट्स डिस्टिलेशन। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, इट इज ए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज बेसिकली कि जो उसके कॉम्पोनेंट्स हैं उन सबका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग होता है, तो अलग अलग टेम्परेचर में ऑयल को हीट किया जाता है, जिससे जो उस पॉइंट तक जो उसका कॉम्पोनेंट है उस पॉइंट तक रीच करता है, उसके बॉइलिंग पॉइंट तक। ठीक है, फिर वेपर्स में वो कन्वर्ट हो जाता है, तो अलग अलग सेक्शन में उन वेपर्स को फिर कूल डाउन करके उनके नॉर्मल जो उसके कॉम्पोनेंट्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है, तो दैट प्रोसेस इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, फिल्टरेशन इज बेसिकली वही छानना, जैसे चाय बनाते हुए पत्ती, चाय पत्ती जो होती है उसको फिल्टर करते हैं। ठीक है, दैट इज फिल्टरेशन। क्रोमैटोग्राफी में क्या था कि एक हम छोटे से पीस से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, जैसे कोई क्राइम सीन पे कोई ब्लड का सैंपल मिल जाए तो इस छोटे से ब्लड ड्रॉप से उसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाली जा सकती है। ठीक है, दैट इज क्रोमैटोग्राफी। और डिस्टिलेशन बेसिकली दो लिक्विड्स के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे वाटर और अल्कोहल होगी। ठीक है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन में यही डिफरेंस है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ज़्यादा कॉम्पोनेंट्स होते हैं और उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट करता है। डिस्टिलेशन में बेसिकली हम या दो लिक्विड्स के सोल्यूशन को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द टू मेटल्स आर मिक्स्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, यानी कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए इनमें से कौन से दो मेटल्स को यूज़ किया जाता है, ए जिंक क्रोमियम, बी क्रोमियम आयरन, सी निकल आयरन और इट्स क्रोमियम और निकल। इट इज बी क्रोमियम एंड आयरन, यानी कि क्रोमियम और आयरन को मिक्स करके स्टेनलेस स्टील को बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद विच मेटल डज ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म रस्ट, यानी कि मेटल कौन सा मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके रस्ट बनाता है, इट्स ए प्लैटिनम, बी गोल्ड, सी सिल्वर और इट्स डी आयरन। द आंसर इट इज डी आयरन, यानी कि आयरन को अगर ऑक्सीजन यानी कि एयर और मॉइस्चर के एक्सपोजर में छोड़ा जाए तो उसके ऊपर एक ब्राउनिश सी लेयर जो है वो फॉर्म हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं रस्ट, एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्सटेंसेस विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट
फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज, यानी कि वो सब्सटेंसेज जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट है, उनको रस्टिंग बोलते हैं, एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉपी या एलॉयज, इट दे आर नोन एज बी एलोट्रॉप्स। रस्टिंग क्या था, जिसमें आयरन को एयर और वाटर के एक्सपोजर में छोड़ा जाए तो उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउनिश लेयर जो है वो कोट हो जाती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग। ठीक है, तो एलोट्रॉप्स वो सब्सटेंसेज जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन है, कार्बन एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है ग्रेफाइट का, डायमंड का, कोल का, और भी बहुत सारे ऐसे हैं। ठीक है, इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एलोट्रॉपी। तो क्वेश्चन में बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सब्सटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। अगर सब्सटेंस है तो वो एलोट्रॉप्स है, अगर इस प्रॉपर्टी का नाम पूछा गया दैट इज एलोट्रॉपी। ठीक है, और एलॉयज क्या आते हैं, एलॉयज जिसमें दो या दो से ज्यादा मेटल्स को कंबाइन करके एक नया मेटल बनाया जाता है जो ज्यादा स्ट्रांग होता है, ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, तो ये सारे इनकी डेफिनेशंस थी। सो लास्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इम्प्योरिटीज एंड ओर बेस्ड ऑन डिफरेंसेज इन देयर डेंसिटीज इज नोन एज, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें ओर में से उसकी इम्प्योरिटी सेपरेट की जाती है यूजिंग द प्रॉपर्टी डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज, यानी कि कौन सी चीज़ ज़्यादा भारी है उस बेसिस पे इम्प्योरिटीज और ओर को सेपरेट किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लीचिंग, फ्रॉथ फ्लोटेशन, डिस्टिलेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग। इट इज नोन एज डी हाइड्रोलिक वॉशिंग। ठीक है, तो एक बार हम क्विकली इन चारों प्रोसेसेस को ब्रीफली देख लेते हैं। लीचिंग क्या प्रोसेस था, लीचिंग वो प्रोसेस था जिसमें एक रीएजेंट को यूज किया जाता था। ठीक है, जो ओर को तो डिजोल्व कर लेता था लेकिन इम्प्योरिटीज को डिजोल्व नहीं करता था, जिससे उसकी इम्प्योरिटीज सेपरेट हो जाती थी। फ्रोथ फ्लोटेशन किसके लिए यूज होता था, सल्फाइड ओर्स के लिए। ठीक है, सल्फाइड ओर्स के लिए जिसमें वाटर और पाइन ऑयल को मिक्स किया जाता था और उसका एक झाग बनाया जाता था, जो सल्फाइड होता था वो ऊपर झाग की फॉर्म में कलेक्ट हो जाता था और उसको सेपरेट करके आगे एक्सट्रैक्ट किया जाता था और जो इम्प्योरिटीज थी वो नीचे सेटल हो जाती थी। ठीक है, डिस्टिलेशन क्या प्रोसेस था, जैसे दो 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 या दो या दो से ज़्यादा लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता था, जिसमें उसको हीट किया जाता था फिर उसको कूल किया जाता था वेपर्स को साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो हाइड्रोलिक वॉशिंग बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें इम्प्योरिटीज को सेपरेट किया जाता है ओर से बेस्ड ऑन डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज। सो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए एंड टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।